अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? भाई देखो, हमने पीछे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ जंप स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, और ये हम किसके अंदर यूज करते हैं? लूप के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम अपने लूप को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। देखो भाई, लूप होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लूप के अंदर कंडीशन लगाई भी है कि मेरा लूप 1 से लेके 100 तक चलेगा, ठीक है, तो क्या होता है, वो 1 से लेके 100 तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स चाहिए कि जिनके थ्रू अगर मुझे लूप के अंदर एक वैल्यू मिल जाती है तो मेरा लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाए, ब्रेक हो जाए और लूप की बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मुझे अपने लूप के अंदर जो करंट आइटरेशन है, मतलब जो करंट लूप चल रहा है, उसको स्किप करना है। ठीक है, तो इस तरह के काम जितने भी हैं वो हम करते हैं जंप स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कितनी जंप स्टेटमेंट्स है पाइथन के अंदर? एक है ब्रेक, कंटिन्यू और फिर आता है पास। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। मैंने क्या बताया, ये जितनी भी जंप स्टेटमेंट्स हैं ये हम लूप्स के साथ यूज करते हैं। और हमारे पास पाइथन के अंदर कितने टाइप्स के लूप हैं? दो टाइप्स के, एक फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ये जंप स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रेक स्टेटमेंट की। ठीक है, मैं आ जाता तो हूं अपने पाइचाम में। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं और एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर हम बनाते हैं। मैं फाइल में जाता हूं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जंप। ठीक है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, दिस विंडो इसी विंडो पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, फिर न्यू पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं ले लेता हूँ एक पाइथन फाइल। ठीक है, और इस पाइथन फाइल का नाम मैं रखता हूँ मेन। ओके करते हैं, तो मेन डॉट पाई के नाम से हमारे पास यहाँ पे एक फाइल बन गई। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर लूप। ठीक है, हमने फॉर लूप पढ़ा था। ठीक है, फॉर लूप, अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 10 तक की एक रेंज मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूं आई। ठीक है, एक काउंटर वेरिएबल बना रहा हूं इन, और इनके बाद हमने एक फंक्शन पढ़ा था रेंज का। ठीक है, और रेंज के फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, मतलब पहले आर्गुमेंट में कि 0 से स्टार्ट होगा और मैं कहता हूं 10 तक चलेगा। तो अब 10 तक चलेगा तो इसका मतलब मुझे एंडिंग पॉइंट देना है 11, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वो 11 को स्किप कर देगा और उससे एक नंबर पहले तक वो प्रिंट करवाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते कोलन लगाता हूं मैं, और यहाँ पे आके मैं ये जो आई है इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि देखो हमारा ये लूप की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, वो 0 कहाँ पे आ जाएगा, आई के पास, और यहाँ पे 0 मुझे प्रिंट हो जाएगा। फिर वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी रेंज का थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी, 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं, ये थर्ड आर्गुमेंट हटा दूं, तो इसका मतलब है वो कितने इंक्रीमेंट करेगा, ऑटोमेटिकली 1 1 इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम आई के पास क्या आएगा, 0 आएगा, फिर वो 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, एक इंक्रीमेंट होगा, फिर आई के पास क्या आएगा, 1, फिर ये 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा, क्योंकि मैंने इसकी रेंज क्या रखी है, 11, और जो भी आप रेंज रखते हो, एंडिंग पॉइंट रखते हो, उससे एक कम नंबर तक वो चलता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रन करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो ये हमारे पास कहां से स्टार्ट हुआ है, 0, जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, और कहां तक चला है, 10, क्योंकि मैंने बताया था जो आप एंडिंग पॉइंट देते हो वो इसको स्किप कर देता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई देखो ये तो सीधा सीधा 0 से लेके 10 तक चलेगा, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन हो, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे पास मेरा लूप क्या हो जाए, वहीं से ब्रेक हो जाए। ठीक है, देखो अभी होता क्या है, ये फॉर लूप 0 से लेके 10 तक चलेगा, और जब 10 तक चल जाएगा उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ये 10 तक चलेगा और उसके बाद ये क्या प्रिंट करवा देगा, ये लूप इज टर्मिनेटेड की स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। देखो मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं दोबारा। ठीक है, तो यहां पे देखो
0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, जैसे 10 हुआ एंड में वो क्या हो गया हमारी लूप की बॉडी से बाहर आ गया और क्या प्रिंट हो गया, लूप इज टर्मिनेटेड। मतलब जब तक ये रेंज 2 रहेगी तब तक ये फॉर लूप की बॉडी से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही इसने देखा कि भाई एंडिंग पॉइंट आ गया उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं, देखो ये प्रिंट है ना, मैं इससे पहले एक इफ की स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है। मतलब इफ मैं यूज करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर आय बराबर हो जाए 5 के, सही है, आय अगर बराबर हो जाए 5 के, तो देखो अभी मेरा कर्सर कहां है, इफ के आई के नीचे, मतलब मैं इफ की बॉडी से बाहर हूं। इफ की बॉडी के अंदर आना है तो क्या करूंगा, टैप प्रेस करूंगा, तो मतलब अब मैं इफ की बॉडी के अंदर हूं और मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ब्रेक, बस, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ये लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन जब देखेगा कि आई के पास 5 है तो वो क्या करेगा, हमारे लूप को यहीं से ब्रेक कर देगा, मतलब फिर वो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलाएगा और हमारी लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आके रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब ये देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से कहां तक चला है, 4, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जब आई 5 होगा तब यहीं से हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल कहां आ जाएगा, इस लूप इज टर्मिनेटेड स्टेटमेंट के पास हमारा कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेक के बाद स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो हमारी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये काम होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। फिर आती है एक और स्टेटमेंट हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। मतलब ये जंप स्टेटमेंट क्यों है, देखो ब्रेक मैंने आपको बताया ना, ये जंप स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि देखो जहां पे मैंने ये ब्रेक दिया था अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो जंप करके लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और क्या प्रिंट करवा देगा, लूप इज टर्मिनेटेड, तो तभी इसको जंप स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहां पे अब इसको कहता हूं कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो कंटिन्यू क्या करेगा, देखो मैं यहां पे आके राइट क्लिक करता हूं, इसको रन करता हूं, ठीक है, और अब देखो 0 से लेके 4 तक इसने प्रिंट करवाया। अब देखो 4 के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट 6 आ रहा है और 6 के बाद दोबारा काउंटिंग चल रही है कहां तक, 10 तक, और उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो रहा है। अब देखो ये स्किप क्यों कर रहा है, आप कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट समझना। देखो जैसे ही वो देखेगा कि मतलब जैसे ही हमारा कंट्रोल कंटिन्यू के ऊपर आएगा तो वो क्या करेगा, उस आइटरेशन की जो आगे की स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा, रिमूव कर देगा और दोबारा फॉर लूप के ऊपर अगली स्टेटमेंट चलाएगा, सही है। मतलब देखो मैंने यहां पे क्या कहा कि आई बराबर है 5 के तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, तो जैसे ही कंटिन्यू हुआ ना तो कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, फॉर लूप के पास चला जाएगा, मतलब कंटिन्यू के बाद जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो उसको स्किप कर देगा, सही है। तभी क्या हुआ था, जब मैंने यहां पे कहा कि i बराबर है 5 के तो यहां पे 5 प्रिंट होना चाहिए था ना, लेकिन 5 से पहले मैंने क्या लगा दिया, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू ने क्या किया, कंट्रोल वापस भेज दिया फॉर लूप के पास और फॉर लूप के पास 5 के बाद क्या स्टेटमेंट थी, 6, और उसने 6 यहां पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है किसका, कंटिन्यू का, मतलब जो करंट आइटरेशन होती है उसको स्किप करके अगली आइटरेशन को परफॉर्म करवाना, मतलब जो 5 वाली आइटरेशन चल रही थी उसको मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, स्किप कर दिया, तो जैसे ही कंटिन्यू मिला तो वो अगली आइटरेशन के पास चला गया और अगली आइटरेशन कौन सी थी, 6, ठीक है। फिर उसके मतलब ये जब कंडीशन ट्रू हुई है ना तभी हमारे पास ये कंटिन्यू चला है और ये कंडीशन सिर्फ एक ही दफा ट्रू होगी, कब ट्रू होगी, जब आई के पास क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में ये बिठा लो कि कंटिन्यू जैसे ही उसको मिलेगा तो वो आगे की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा और वापस कहां चला जाएगा, अगली आइटरेशन की तरफ चला जाएगा, लूप के पास, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा फिर यहां पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे इस तरह से करूं, देखो मैं कहता हूं कि अगर आई डिविजिबल है 2 से और अगर ये रिमाइंडर क्या देता है, 0, मतलब मैं इवन नंबर्स प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा,
समझ रहे हो, मैं ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं अगर आई 2 से बराबर हो जाता है, अब फॉर एग्जांपल आई के पास 2 है, तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब वो वाला नंबर 2 आपने प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि उससे पहले मैंने क्या लगाया हुआ है, प्रिंट से पहले कंटिन्यू लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी यहां पे आके रन करूं, आप रिजल्ट देखना, ठीक है, ऊपर जाते हैं, देखो कहां से लेके कहां तक प्रिंट करवा रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। क्यों ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इनका रिमाइंडर 0 नहीं बचता, इनका रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं कि आई के, भाई देखो आई के पास जब फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 आएगा, अब 0 को मैं 2 से करूं तो रिमाइंडर 0 ही बचता है, फिर इसी तरह आपके पास जब 0 आएगा तो वो उसको कंटिन्यू कर देगा, मतलब स्किप कर देगा, ठीक है। 1 आएगा, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है, 0 नहीं बचता। यही वजह है कि इफ की बॉडी नहीं चली और फिर क्या हो गया, प्रिंट चल गया, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मुझे अब ऑड नंबर्स नहीं इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कहता हूं 1, मतलब अब देखो, अब अगर आई के पास 3 आता है तो 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, बल्कि क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो स्किप हो जाएंगे, मतलब जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब आपके पास वो आइटरेशन स्किप हो जाएगी और वो अगली आइटरेशन की तरफ चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब आप रिजल्ट देखो, ठीक है, अब देखो अब कौन से नंबर प्रिंट हो रहे हैं, अब आपके पास वो नंबर प्रिंट हो रहे हैं जो इवन है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो नंबर्स ऑड है उनको कंटिन्यू कर दो, स्किप कर दो, उन्हें आप प्रिंट नहीं करवाओगे, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको वापस सेट करता हूं इस तरह से कि आए अगर बराबर है 5 के तो स्किप कर दो, मतलब उसको प्रिंट नहीं करवाओ। तो इस केस में क्या हो रहा था कि हमारे पास 5 प्रिंट नहीं हो रहा था, यही पॉइंट था, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट आती है पास, ठीक है, तीसरी जंप स्टेटमेंट आती है पास। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना, भाई देखो हम क्विज खेलते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी मतलब एक रैपिड फायर राउंड होता है, ठीक है, जिसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप क्या कहते हो, पास। पास का मतलब इसको छोड़ दो, आगे चलो, यही कॉन्सेप्ट है ना। सेम भाई कॉन्सेप्ट आपके पास यहां पे, मतलब यहां पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास का मतलब आगे बढ़ो, मतलब कुछ भी नहीं करना आपने, मतलब आपने अक्सर देखा होगा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कुछ भी ना हो, एल्स पार्ट में कोई काम हो, ऐसी कंडीशन हम अक्सर लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ये पास कर सकते हैं। मतलब देखो पास का कोई इतना ज्यादा मतलब इंपैक्ट नहीं है। देखो होगा क्या इसमें, मैं इसको रन करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, रन मेन में जाते हैं, तो अब देखो ये 0 से चला है और सारी वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है, देख रहे हो, मतलब पास का मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब इसकी बॉडी में आएगा और वो देखेगा पास, वो जैसे ही पास देखेगा इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ो, सही है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये मुझे नहीं लगता कि कहीं यूज होता होगा। मतलब इसमें जो जंप स्टेटमेंट्स में जो सबसे ज्यादा मेन है ना वो 2 है, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है, तो ये 3 जंप स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो पहला, इन पाइथन द ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स यू विद द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट आउट ऑफ अ लूप, मतलब आपका लूप चलता जा रहा है, आप उसमें एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, जैसे ही वो ट्रू होगा हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, आउट ऑफ अ लूप व्हेन एन एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर्ड, मतलब लूप के अंदर जो हम कंडीशन लगाते हैं अगर वो ट्रिगर हो जाती है, अगर वो फायर हो जाती है तो वो हमारे लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। फिर देखो, यू विल पुट द ब्रेक स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड अंडर योर लूप स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट कहां लिखते हैं हम, लूप के अंदर लिखते हैं, यूजली आफ्टर अ कंडीशनल इफ स्टेटमेंट, मतलब इस ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज कहां करते हैं,
यूजली इफ एल्स के अंदर हम इनका यूज करते हैं, ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। फिर आ जाओ कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखो द कंटिन्यू स्टेटमेंट गिव्स यू द ऑप्शन टू स्किप ओवर द पार्ट ऑफ अ लूप वेयर एन एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर्ड। इसका मतलब कि जहां पे आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल जाए तो वो उसके आगे की स्टेटमेंट्स नहीं चलाता बल्कि उसका अगला जो लूप की आइटरेशन होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब जहां पे आपने कंटिन्यू लगाया है तो वो दोबारा, मतलब कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देगा और दोबारा अगले लूप की तरफ चला जाएगा, और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। फिर देखो बट टू गो ऑन टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द लूप, मतलब सिर्फ करंट, मतलब जैसे मैंने कंडीशन क्या दी थी आई डबल इक्वल टू फाइव, तो सिर्फ फाइव वाली आइटरेशन को स्किप किया था उसने, लेकिन उसके बाद जब तक हमारी रेंज कंप्लीट नहीं होती तब तक वो लूप बार बार चल रहा था, ठीक है। ये है आपके पास कंटिन्यू। फिर देखो दैट इज द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप विल बी डिस्टर्बेड। इसका मतलब जो करंट आइटरेशन होती है ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होती है बस, मतलब जहां पे आपने कंटिन्यू यूज किया है तो तब जो आपके पास करंट आइटरेशन है सिर्फ वही डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसके बाद सारा लूप आपके पास चलता रहेगा एंड तक, ठीक है। बट द प्रोग्राम विल रिटर्न टू द टॉप ऑफ द लूप, इसका मतलब जहां पे कंटिन्यू मिलेगी वो उसके आगे की स्टेटमेंट को छोड़ देगा, प्रिंट नहीं करवाएगा और दोबारा अगले लूप की तरफ चला जाएगा। फिर देखो द कंटिन्यू स्टेटमेंट विल बी विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड अंडर द लूप स्टेटमेंट यूजली आफ्टर अ कंडीशनल इफ स्टेटमेंट। मतलब इसको भी हम क्या लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं, ठीक है, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। फिर आ जाओ पास स्टेटमेंट। व्हेन एन एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर्ड द पास स्टेटमेंट अलाउज यू टू हैंडल द कंडीशन विदाउट द लूप बीइंग इंपैक्टेड इन एनी वे। इसका मतलब ये जो पास है ना ये लूप पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब जहां पे पास मिलेगा तो इसका मतलब है आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी, आपने अपना लूप वैसे ही क्रिएट करते जाना है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ द कोड विल कंटिन्यू टू बी रीड अनलेस अ ब्रेक और अदर स्टेटमेंट अकर्स। मतलब पास जो है ना, पास स्टेटमेंट वो आपके लूप में किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है, या तो ब्रेक या कंटिन्यू, ठीक है, ये इसका पॉइंट है जंप स्टेटमेंट का, ठीक है, क्लियर है यहां तक।